या बिल्कुल ही पिचक जाती है, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं देखो सेफ्टी का इशू तो रहता ही है। इंजन स्पेसिफिकेशंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, लेकिन भूल ही गए। अब क्या भूल गए वो जब हम इसकी ड्राइव पे चले, जब आपको बताऊंगा। अभी भी इसका आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप भाई काम नहीं कर रहे। तो अब इस वाले शॉट में आपने देखा। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? आप सब बहुत अच्छे हो, फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आज है हमारे पास मारुति की बलिनो, भाई मारुति सुजुकी बलिनो, खाली मारुति बलिनो नहीं है भाई। सुजुकी के शेयर्स बढ़ गए ना, तो अब मारुति सुजुकी बलिनो, थोड़ी देर में मारुति हट जाएगा, खाली सुजुकी रह जाएगा। लोगों तो खैर शुरू से यही चल रहा है। खैर हम बात करेंगे आज मारुति बलिनो AGS ऑटो गियर शिफ्ट है गाड़ी। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है इसके अंदर। 88 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 118 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में आपको मिलती है। पहले इस गाड़ी के अंदर CVT ट्रांसमिशन आता था ऑटोमेटिक में, लेकिन अब आता है AMT ट्रांसमिशन। हम इसको चलाएंगे तब आपको बताएंगे ड्राइविंग एक्सपीरियंस। फिलहाल हम सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक्स की। तो फ्रंट में आपको यहाँ सेंटर में मिलेगा सुजुकी का क्रोम फिनिश में बड़ा सा लोगो। यहीं पे आपको इसका फ्रंट कैमरा मिलेगा, क्योंकि टॉप मॉडल है अल्फा, तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन आता है। एक फ्रंट कैमरा आपका यहाँ पे है, दो आपके साइड ORVM पे और एक रियर में है। ग्रिल आपकी ना तो हनीकॉम में है ना किसी और, बड़ा डिफरेंट है ना, वो मछली स्टाइल सा पैटर्न बना रखा है। एंड यहाँ पे आपको बड़ी सी क्रोम स्ट्रिप मिलेगी लाइट्स को ज्वाइन करते हुए। नीचे आपको सिंपल सी आपकी मिलेगी और ग्राउंड क्लियरेंस। मोस्टली मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस साइड से दिखाता हूँ, लेकिन मैं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ। लुक्स को बनाते बनाते कहीं ना कहीं मारुति ने इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस फ्रंट एंगल जो है ना, अप्रोच एंगल है, उसके बारे में भूल ही गए। अब क्या भूल गए वो जब हम इसकी ड्राइव पे चले, जब आपको बताऊंगा। लाइट्स की बात करें तो आपको इसके अंदर LED प्रोजेक्टर मिलते हैं। DRL भी इसके बड़े डिफरेंट से हैं, 3 डॉट में आपको यहाँ DRL दे रखे हैं। अंधेरे में आप जब इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो लाइट इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। एंड नीचे आपको फॉग लैंप भी आपके LED मिलेंगे। इनका थ्रो जो है वो ठीक ठाक सही है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही बेकार है, बट डिसेंट सा ही है। और आप इन लाइट्स को भाई अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो टॉप एंड वेरिएंट में कंपनी पूरा स्टॉक बंद करके देती है, पैक करके यूनिट देती है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, नीचे वाले वेरिएंट्स में आप अपनी LEDs का जो वोल्टेज है वो बढ़ा सकते हो। आ जाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। अब साइड प्रोफाइल में भाई आपको मिलते हैं इसके 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं सिल्वर और ब्लैक फिनिश में। टायर प्रोफाइल रहेगी आपकी 195/55 R16। साइड प्रोफाइल भाई ये होती है 55, ये होती है 195 एंड 16 इंच आपका अलॉय व्हील है। जब आप साइड में आएंगे साइड में आपको ग्राउंड क्लियरेंस लगेगा नहीं कि यार इतनी ज़्यादा कम है। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, जो एक प्रीमियम हैचबैक के हिसाब से एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है। नॉर्मली कहीं भी रोड से कच्चे पक्के रास्तों पर जाने के लिए बिल्कुल ओके है। तो भाई इसके ग्लास बड़े डिफरेंट से लग रहे होंगे। बलिनो के टॉप एंड वेरिएंट में आपको भाई प्रॉपर टिंटेड ग्लास मिलते हैं, जो आपको ऐसे लगे फिल्म चढ़ी हुई गाड़ी पे, तो ये गाड़ी फिल्म नहीं है भाई, प्रॉपर टिंटेड ग्लास मिलते हैं आपको इसमें। छोटे से ORVM मिलेंगे आपको इस गाड़ी में, एंड यहीं पे आपका इंडिकेटर एम्बेडेड मिलेगा। क्रोम का भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रखा है, ठीक ठाक सा यूज़ कर रखा है। यहाँ पे आपको क्रोम मिलेगा, डोर हैंडल्स आपको क्रोम मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर आपको बोथ साइड मिलेगा, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड मिलेगा। आ जाते हैं गाड़ी के रियर पे। रियर में आपको वाइपर, डिफोगर, एंटीना, आपको शार्क फिन नहीं मिलेगा भाई, ये नॉर्मल वाला एंटीना मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप मिलेगा, यहाँ पे बड़ी क्रोम स्ट्रिप मिलेगी, उसी के अंदर आपको इसका बैक कैमरा मिलेगा, सुजुकी का लोगो मिलेगा, एंड यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट रहेगी। 4 बैक सेंसर्स रहेंगे, रिफ्लेक्टर दिए। आप एक्सेसरीज में इसके अंदर लाइट्स वगैरह भी इंस्टॉल करा सकते हैं आफ्टर मार्केट। गाड़ी के अंदर बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, आपके 3 बड़े सूटकेस आप आराम से रख के ले जाके जा सकते हो इसके अंदर। इसके नीचे आपको इसका स्पेयर व्हील मिलेगा गाड़ी का, ये आपका नॉर्मल स्पेयर व्हील रहेगा। जो स्पेयर व्हील का साइज रहेगा वो 185/65 R15 रहेगा। ये जो क्वालिटी है ना, गत्ते की क्वालिटी, ये बहुत हल्की कर दी है मारुति ने पहले से बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इसको हैवी वेट रखो ना तो बेंड हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको इसका फ्यूल लीड मिलेगा, 37 लीटर का इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। इसमें आपको 15-16 की माइलेज ऑटोमेटिक में आराम से दे देगी। AMT ट्रांसमिशन है इसके अंदर, एंड मैनुअल में तो जैसा आप चलाएंगे वैसी माइलेज देगी। इंजन स्पेसिफिकेशंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी का बोनट दिखा देते हैं। काफ़ी खुला डुल्ला है भाई, ताकि इंजन को आराम से बढ़िया से हवा मिले। ये इसकी ECM यूनिट है। जब भी आप अपनी गाड़ी को वॉश करते हैं, चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे बलिनो है, चाहे स्कॉर्पियो है, चाहे थार है, जो भी है, ECM जो यूनिट है इसको भाई हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। आप वॉशिंग के टाइम पे इस पर पानी नहीं लगना चाहिए। इसका फ्यूज बॉक्स है, ये छोटी सी बैटरी है, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी तो ज़्यादा बड़ी बैटरी की जरूरत है नहीं। अब इसका ऊपर एयर फिल्टर दे रखा है, एंड वाइपर एंड ब्रेक वाल वगैरह। सेफ्टी रेटिंग्स की तो भाई मारुति गाड़ियों की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मारुति अपनी गाड़ियों में भाई कोई खास सेफ्टी रेटिंग्स नहीं देती है। मारुति की गाड़ियाँ टोटली खरीदी जाती हैं देखो रिलायबिलिटी के लिए,
सर्विस कॉस्ट कम रहते हैं, लेकिन हालांकि पहले वाली सर्विस कॉस्ट अब मारुति की नहीं रही है भाई। मारुति की भी सर्विस कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, वो नहीं है कि 2000 में सर्विस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। 5-7 हज़ार तो भाई इनकी सर्विस में भी लगे जाते हैं, एक एवरेज लगे जाते हैं गाड़ी के अंदर। और दूसरा मारुति गाड़ी माइलेज, जैसे अब भाई बॉडी के अंदर वेट ही नहीं होगा तो गाड़ी तो माइलेज अच्छा ही देगी ना, तो ये 2-4 पॉइंट्स होते हैं कि लोग मारुति गाड़ी कंसीडर करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मारुति गाड़ी बिल्कुल कागज़ जैसी है या बिल्कुल ही पिचक जाती है, ऐसा नहीं है भाई, लेकिन कहीं ना कहीं देखो सेफ्टी का इशू तो रहता ही है। लेकिन फिर भी भाई इस गाड़ी के सेल्स फिगर्स बताते हैं। लास्ट दिसंबर 2022 में ये गाड़ी 16,732 यूनिट इस गाड़ी की ऑल ओवर इंडिया बिकी है। ये जो सेल्स फिगर गाड़ी लेके बैठी है तो भाई कहीं ना कहीं तो इस गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ तो है। बोले भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर भर भर के मारुति ने फीचर्स दिए। मारुति कहते हैं कि अगर हम सेफ्टी नहीं दे सकते कोई बात नहीं है, हम फीचर्स जो कस्टमर्स को पूरे भरपूर देंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है। एंड प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट आपको 10.5-11 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ जाता है, इसका टॉप एंड वेरिएंट। अब आते हैं गाड़ी के अंदर, उससे पहले आपको दिखाते हैं गाड़ी का डोर पैड। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, ये आपको क्रोम में मिलेगा। स्विचेस आपको मैट में मिलेंगे, ये आपका लॉक अनलॉक का फीचर रहेगा और एडजस्टेड का रहेगा। यहाँ पे आप अपनी 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। आगे हम गाड़ी के अंदर, अब आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा रहेगा। अब जिसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा वो दोनों साइड रहेगा, आपका एनालॉग रहेगा, बीच में आपकी छोटी सी MID रहेगी। अब उस MID को आप यहाँ स्टेयरिंग से कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको खाली क्रूज कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप अपना फोन उठा सकते हैं, रख सकते हैं और वॉइस कमांड दे सकते हैं। उसके बाद जो आपकी MID है वो आपकी इस वाली नॉब से चेंज होगी, यहाँ से आप टैप करके इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं। और जो आपका ट्रिप भी रहेगा वो आपका इस वाली नॉब से रहेगा। ऑटोमेटिक लाइट्स आपको इस गाड़ी में मिलेगी, ये आपके वाइपर के कंट्रोल्स रहेंगे। एंड यहाँ पे आपको इसका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलेगा, यहाँ से आप कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको मान लो आप कहीं ऐसी जगह खड़े हैं आपको तुरंत कैमरे का मोड चाहिए तो आप इस बटन को टैप करके इसको देख सकते हैं। आपका हेडअप डिस्प्ले का स्विच है, इसको आप टैप करके रखेंगे 2 सेकंड्स के लिए तो आपकी हेडअप डिस्प्ले बाहर आ जाएगी। ये इसकी पोजीशन सेट करने के स्विचेस हैं, पोजीशन सेट करने के लिए आपको किस पोजीशन पे एक्यूरेट दिखता है आपको छोटा सा वहां पे दिख रहा होगा इसकी पोजीशन। एंड इसकी ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने का ये आपका हेडलाइट लेवल का स्विच है एंड आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच आएगा। एंड ये आगे भाई आपकी 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आप अपना कनेक्ट करने चाहते हो तो फोन अपना कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप टैप करोगे आपकी गाड़ी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या दिखा रही है, 15.1 की दिखा रही है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो कोई हिस्ट्री, अगर काफी कोई वार्निंग आती है डोर ओपन की, पार्किंग ब्रेक की, सीट बेल्ट की, लो फ्यूल की, वो वार्निंग आपकी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फुटवेल की लाइट आपको ऑन ऑफ करनी है, डोर अनलॉक आपको एक बार में करना है, 2 बार में करना है। कई बार क्या होता है मारुति का लॉक हम एक बार खोलते हैं तो खाली ड्राइवर साइड अनलॉक होता है, फिर एक बार फिर टैप करते हैं उसको अनलॉक करते हैं तो फिर बाकी सारे होते हैं। यहाँ से आप अपना डोर अनलॉक ना मैनेज कर सकते हो, खाली ड्राइवर लॉक अनलॉक करना है या आपको सारे करने हैं, मतलब सारा, मतलब जितना भी MID कंट्रोल्स वहां ना देखे ना आपके यहाँ से कंट्रोल होते हैं इसके सारे। यहाँ आपको नीचे मिलेंगे इसके छोटे से एयर वेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेटिन सिल्वर फिनिश में मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्लॉस सिल्वर मिलेगा। ये एम्बिएंट लाइट गाड़ी में लगी हुई है, ये आफ्टर मार्केट है, ये हमारे कवल भैया ने लगा के दिए। यहाँ पे डैशबोर्ड में ना कॉम्बिनेशन है ब्लैक सिल्वर एंड ब्लूइश, मतलब 3 कॉम्बिनेशन में भाई इसमें बना रखा है एंड प्लस आपका पियानो ब्लैक, तो भाई 4 कलर इसके अंदर यूज किए गए हैं। ORVM आपका इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड रहेगा, यहाँ पे लाइट्स आपको येलो मिलेंगी। गाड़ी की हेडलाइट्स व्हाइट है, सब कुछ है, लेकिन भाई ये लाइट मारुति ने भाई येलो दी है। यहाँ पे भी आपको भाई वैनिटी मिरर मिलता है, वाओ दोनों साइड वैनिटी मिरर दिया है विद लाइट, भाई बहुत अच्छी बात है। टिकट कहाँ पे होल्ड करेगा बंदा, कहीं और रख लेगा, कोई बात नहीं, वैनिटी मिरर दो जगह दिया है ना। यहाँ पे आपको मिलेगा इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, प्लस आपको रियर डिफोगर वगैरह ये मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 12 वोल्ट का आउटलेट, यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिलेगा। इस गाड़ी में आपको Android Auto, Apple CarPlay, वायरलेस मिलता है, लेकिन आप वायर्ड भी इस गाड़ी के अंदर चला सकते हैं। प्लस आपके काफी सवाल आते हैं कि विक्रम भाई Android Box इस गाड़ी में चलेगा? जी हाँ, मैंने इस गाड़ी के अंदर टेस्ट करके देखा है, Android Box इस गाड़ी के अंदर वर्क करता है, तो आप अपने YouTube वगैरह जो भी एप्स हैं वो इसमें चला सकते हैं वाया Android Box। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं, ज्यादा बड़ी बोतल आप रख नहीं सकते, यहाँ पे अपना फोन रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है इसका 5-speed AMT ट्रांसमिशन, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं, मारुति इसको AGS बोलता है, ऑटो गियर शिफ्ट। यहाँ पे आपको इसका मिलेगा मैनुअल हैंड ब्रेक एंड ये रहेगा इसका छोटा सा आर्मरेस्ट एंड उसके अंदर आपको छोटी सी स्पेस मिलेगी जिसके अंदर आप फोन वगैरह तो रख नहीं सकते, कुछ पेपर वगैरह छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स आप इसके अंदर रख सकते हो। सीट के कंफर्ट की बात करें तो गाड़ी की सीटिंग बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है, आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी गाड़ी के अंदर। बहुत होगी आगे की बातें, अब चलते हैं रियर सीट पे। भाई हम गाड़ी की रियर सीट पे, तो मेरे पास नी रूम की तो भाई कोई कमी नहीं है, हाँ हेडरूम पूरा ही पूरा। अगर 6 फीट हाइट का बंदा पीछे बैठेगा मेरे जितने हाइट का, तो भाई उसके पास
तो हेडरूम है नहीं, अगर गाड़ी कूदेगी तो भाई मेरा सर तो यहाँ पे जाके लगेगा ही लगेगा। और ये जो हैंडल है यहाँ पे ग्रैब हैंडल, ये भी बहुत नजदीक है, अगर गाड़ी ऐसे आठ पे जाती तो ये भी मेरे सर को लगेगा। आपको सेंटर में यहाँ पे आपका कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, पांच बंदे तो नहीं बैठ सकते इस गाड़ी में, चार बंदों की सीटिंग आपको इसमें मिलेगी। हेडरेस्ट जो है वो इसके आपके एडजस्टेबल रहेंगे, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन है आपका सीट्स में। अगर आप कुछ सामान बड़ा लेके जाना चाहते हो तो आप इस वाली सीट को, अगर ज्यादा बड़ा है तो आप 60% वाली सीट को डाउन कर सकते हो, एंड छोटा सामान है इधर दो बंदों को बिठाना, दो बच्चों को बिठाना है तो आप इधर बिठा के ये वाली सीट डाउन कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एयर वेंट मिलेगा, प्लस आपको यहाँ दो चार्जिंग के पोर्ट मिलेंगे, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, अपना यहाँ चार्ज करके यहाँ पे फोन रख सकते हो। चलो जी अब लेके चलते हैं गाड़ी को ड्राइव पे। तो सबसे पहले भाई उबड़ खाबड़ रास्तों पे देख लेते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। सस्पेंशन इस गाड़ी का नो डाउट सही है, ज्यादा खड्डे अंदर महसूस नहीं होंगे क्योंकि जो गाड़ी की सीटिंग है ना वो सीटिंग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। गाड़ी प्लेन रोड पे आ गई, लेकिन प्लेन रोड इतना लंबा नहीं रहा हमारा, बिल्कुल छोटा सा ही था। अब ये देखो आगे सामने ये छोटी सी पुलिया है, अब इस पुलिया को हम क्रॉस करेंगे। अब वो जो मैंने आपको बताई थी कि फ्रंट नोज गाड़ी का टच होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि गाड़ी को चढ़ाते टाइम कितना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इस वाले शॉट में आपने देखा कि कैसे गाड़ी को मैंने बिल्कुल आराम से चढ़ाया और आराम से उतारा। यही चीज अगर आपने थोड़ी सी स्पीड में कर दी तो भाई गाड़ी का बम्पर सटेगा ही सटेगा, हर हाल में लगेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये सबसे बड़ा इस गाड़ी का ना ड्रॉबैक है, खूबसूरती बनाने के चक्कर में इसकी नोज इतनी आगे निकाल दी कि भाई वो गाड़ी टच होती है नीचे। एंड दूसरा एक और इसका कौन मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम गाड़ी को मान लो रोकते हैं, हमने यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया तो जो आइडलिंग स्टॉप है वो अनअवेलेबल हो जाता है। देखो आ गया आइडलिंग स्टॉप अनअवेलेबल, आपकी जो गाड़ी है वो ऑटो स्टार्ट से बंद होती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने इस गाड़ी को कम से कम भी 8-9 दिन चलाया है और उस 8-9 दिन में सिर्फ एक दिन इस गाड़ी का आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप ने काम किया था, उसके अलावा किसी भी दिन इस गाड़ी का आइडलिंग स्टॉप ने काम नहीं किया। स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ मिलेगा, जो इसके एएमटी की परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही बढ़िया है, एएमटी मारुति का देखो बहुत अच्छा है। इस मामले में कहना पड़ेगा कि मारुति ने अपने एएमटी पे काफी वर्क किया है। जो इसका एक्चुएटर मेनली, तो देखो एक मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ना एक एक्चुएटर लगा दिया जाता है जिससे आपके ऑटोमेटिकली गियर चेंज हो जाते हैं, होता ये मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, सेम यही आपको आपकी मैनुअल गाड़ी में मिलता है, बस इसमें एक्चुएटर लग जाता है तो ये ऑटो गियर शिफ्ट हो जाता है। गियर्स आपके काफी स्मूथ रहेंगे, ओवरऑल आपको इसकी सिटी में माइलेज मिल जाएगी 15-16 कह रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं 2000 आरपीएम के नीचे आप रखते हैं तो आपकी गाड़ी आपको बढ़िया माइलेज दे देगी 1500। हाईवे पे गाड़ी आपको 20+ तक की भी माइलेज दे देगी, इजीली दे देगी, 20-22 की माइलेज दे देती है अगर आप गाड़ी को 80-90 रखते हैं। वही आप 2000 आरपीएम से नीचे कोई भी गाड़ी रखेंगे आपकी गाड़ी भाई मैक्सिमम माइलेज देती है। अब फिर दोबारा से सिग्नल आ रहा है, अब हम यहाँ चेक करेंगे कि इसका आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप काम करेगा या नहीं करेगा। अब गाड़ी को हमने रोक दिया, नहीं, आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप नॉट अवेलेबल। गाड़ी में आपको फ्रंट में मिलते हैं डिस्क ब्रेक, रियर में मिलते हैं ड्रम ब्रेक, लेकिन इसकी ब्रेक्स की परफॉर्मेंस भी सो ही है, कुछ खास नहीं है। अगर आपको सडन ब्रेकिंग लेनी पड़ गई तो उसमें भाई ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ट्रेवल करते हैं। तो एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ये सब कुछ है गाड़ी के अंदर। भाई ओवरऑल मैंने आपको गाड़ी की सारी चीजें बता दी, प्रोस भी बता दिए, कौन से बता दिए, कौन से तो दो चार आइटम ही हैं इसके गाड़ी के, ग्राउंड क्लियरेंस को कह लो, आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप को कह लो, ब्रेक्स को कह लो। देखो ब्रेक एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा शायद टायर साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये गाड़ी हाइब्रिड नहीं है तो आप इसके अंदर टायर साइज एक साइज अपग्रेड कर सकते हो तो आपकी ब्रेकिंग शायद थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। ये गाड़ी भाई लेनी किसको चाहिए, जिसका 10 लाख के आसपास का बजट है उसको प्रीमियम हैचबैक चाहिए, उसको बहुत सारे फीचर्स चाहिए, मतलब जितने सारे फीचर्स आते हैं इस सेगमेंट में उससे ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो भाई ये गाड़ी आपके लिए बनी है। वैल्यू भी इस गाड़ी की काफी अच्छी है, जैसे एक टाइम पे ऐसा होता मारुति को रुक्का मार के बेच देंगे तो वो वाला सीन है। स्पेशली ट्रांसमिशन की बात करूं, देखो सीवीटी ट्रांसमिशन एएमटी से अपर ट्रांसमिशन है, लेकिन इसका जो एएमटी ट्रांसमिशन है मुझे इसके पहले वाले सीवीटी ट्रांसमिशन से ज्यादा बेहतर लगा। उसमें तो यार बहुत ही ओवर वूम ऐसे हो जाते हैं, उसको आप देखो ना, देखो तुरंत गियर शिफ्ट डाउन करती है, तुरंत आपको पावर देता है इंजन, मतलब आपको लगेगा नहीं कि खाली आप 88 BHP गाड़ी चला रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ आप 100 BHP से प्लस की गाड़ी चला रहे हो। हाँ जी, हमारा आज का वीडियो ऑन द बलिनो AGS ऑटो गियर शिफ्ट गाड़ी के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ऑटोमोटिव 17 के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।
अभी भी इसका आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप बाई काम नहीं कर रहे। मारुति को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों इस गाड़ी का काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली कई बार क्या होता है, आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप इसलिए काम नहीं करता क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स होते हैं गाड़ी में, गाड़ी की बैटरी पावर भी देखी जाती है, वो वाली बैटरी इतनी रिचार्ज है या नहीं है, ये है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। बट भाई 7 दिन के अंदर सिर्फ 1 दिन काम करना और उसके अलावा किसी दिन काम ना करना, तो ये तो कहीं ना कहीं तो भाई फॉल्ट है ना कहीं ना कहीं। तो ये चीजें मारुति को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए।